हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो इस वीडियो में फिर से हाजिर हूँ जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर। तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड फंड WWF की स्थापना कब हुई? तो 1951 में, 1961 में, 1981 में, 1971 में। तो इसका सही राइट आंसर हो जाएगा 1961। 1961 सही राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन छोटा कर लेता हूं। बायो कार्बन फंड के लिए सतत वन परिदृश्य कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया जा रहा है? तो इसका सही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कौन से भाग में मैग्रोव वन, सदाबहार वन और पर्णपाती वन पाए जाते हैं? तो इसका सही राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिमी बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली की एक आर्ट गैलरी में मानव मल से बने दरवाजों की प्रदर्शनी लगाई गई है, यह प्रयास किस संगठन का है? तो यह है सुलभ इंटरनेशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमांश क्या है? हिमांश क्या है? हिम की जांच हेतु नासा का मिशन, पर्यटन हेतु एक नवीन योजना, भारत का हिमालय अनुसंधान स्टेशन, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत का हिमालय अनुसंधान स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉस सागर अवस्थित है? तो अफ्रीका महाद्वीप में, अटलांटिक महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप में, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। तो इसका सही राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अटलांटिक महाद्वीप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही राइट आंसर हो जाएगा कोयम्बटूर में, ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, मीथेन, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्न मसालों में से कौन सी पुष्पकलिका होती है? तो इसका सही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लौंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा जाता है? तो गंगा, दामोदर, यमुना, पोरियर। तो इसका सही राइट आंसर ऑप्शन बी, दामोदर नदी। समुद्री खरपतवार में मुख्यतः क्या पाया जाता है? आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन। तो समुद्री खरपतवार में आयोडीन पाया जाता है। विश्व का सबसे लंबा पौधा कौन सा है? रेडवुड, टेक्नो, व्हाइट नाइट, इनमें से कोई नहीं। तो रेडवुड जो है विश्व का सबसे लंबा पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मशरूम निम्नलिखित में से क्या है? पौधा है, शैवाल है, कवक है, जीवाणु है। तो ये कवक है। कौन सी एक वायु प्रदूषण गैस है जो जीवाश्म ईंधन के जलाने से उत्पन्न होती है? तो नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन डी। सतही जल संसाधन कहाँ उच्चतर है? सिंधु का मैदान, उत्तरी पूर्वी भारत, गंगा का मैदान, प्रायद्वीपीय भारत। तो इसका सही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गंगा का मैदान। ग्रीन फेवलेट क्या है? तो ये ग्रीन फेवलेट है किसानों के लिए उपलब्ध कराया गया फोन और टैबलेट का समन्वित रूप। तो ऑप्शन ए इसका सही राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, पश्चिमी घाट आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो पश्चिमी घाट आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल। तो इसका सही राइट आंसर ऑप्शन सी, महाराष्ट्र हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा? थैंक यू। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू सो वाच मच।